संतोख सिंह जी ने ओदे लई अपने साथियों नाल मिल के संगत ने मिल के उद्यम किया सी। अज देखो कतवाली तुहाडे कोल है, अज कतवाली गुरु संतां दे कोल है। फिर एक समा यह भी आया कि जदों आ प्याऊ जिहड़ा कई सालां तों 100 साल तों इत्थे ठंडे जल दी सेवा करदा सीगा, इह जिहड़ा हुणे दस्सिया शाहजहानाबाद प्रोजैक्ट दे विच इह सरकार वल्लों तोड़ दित्ता गया और हाई कोर्ट दे विच केस डबल बैंच दे अग्गे और मैं एज ए मुख सेवादार मैनू पेश करना पिया। मैनू समन होए कि असी दोबारा प्याऊ जिहड़ा बनाता जिहड़ी पुलिस ने बुलडोजर चलाए सीगे और दो जजां दे के हाई कोर्ट। मैं एको गल आखी सी, मैनू बैन लगाया कि सीसगंज साहब नहीं जा सकते। मैं कहा जज साहब मैं हुणे चलिया वा, मैनू गिरफ्तार करना हुणे करो और मैं सीसगंज साहब जा रहा, मैनू किसी तो परमिशन लोड़ नहीं है गुरु तेग बहादुर पातशाह दे अस्थान दी आन दी। और अज मैनू वह पुराना समा जथेदार साहब तो लैके वह प्याऊ का सब याद आ रहा है। अज मैं कहना एक चिट्ठी असी होर लिखांगे तंत्र मंत्र नू, लेकिन अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो अज संता दे नाल खलो के इत्थे ऐलान करदा कि 17 दिसंबर नू जिस दिन गुरु तेग बहादुर पातशाह का दिन होएगा, अगर तद तक कैमरे नहीं उतारे गए या चलान नहीं बंद किए गए, असी अपने हथी कैमरे तोड़ांगे। सरकार को दो रस्ते बचे ने, या तो ये कैमरे उतारन और चलान बंद करन या सानू अरेस्ट करन, क्योंकि जेड़ी गल इस जगह ते कह के नवे पातशाह दे शहीदी स्थान दे सामने जो मेरे बजुर्गों का इतिहास रहा सीगा कि उन्होंने आख्या सी कि जिस दिन कतवाली मिलनी सी मिलनी कैंसल हो गई और बड़ा संगतां दा हजूम सी और संगतां जिहड़ियां सी कतवाली जिहड़ा उस वेले थाणा सी इस ते कब्जा करन नूं तैयार सी। जथेदार जी ने आख्या सी कि तुसीं 15 दिन दा समां दे दिओ, जे 15 दिनां च सरकार ने कतवाली साडे हवाले नाल कीती मैं मिट्टी दा तेल पा के इत्थे अपने आप नूं आत्मदाह कर देंगा। सरकार नूं झुकणा पिया, अज कतवाली तुहाडे सामने है। 1968 तों इह सिखां दे हवाले कीती गई। अज मैं ऐलान करदा कि जे 17 दिसंबर तक नए कानून जजिया वापस लिया गया, ए अकबर ए जेड़ा औरंगजेब दा जेड़ा फरमान है वापस ना लिया गया, असी आप कैमरे तोड़ांगे। ओदी कोई भी सानू सजा होवे ओ मंजूर होएगी। मैं एक बारी जकारा छड्डांगा, हथ खड़े करके जवाब देना ताकि संकार नू चंगी तरह समझ लग जाए। इत्थे इंटेलिजेंस भी है, इत्थे CID भी है, खबरां उन्हां कोल जा रही ने। जो कह दिता वो पत्थर ते लकीर है। मेरे तो पहले कई लीडरां ने आख्या सी गेट पट देंगे फलाना कर देंगे, लेकिन असी ओह जिहा च नहीं है। बोली दा नहीं, जे बोल दिता ते फिर हुण भावे सिर देना पवे इस तो पिछे नहीं हटांगे। बोले सोनिया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज भाई मतीदास चौक के उपर संगत एकत्र हुई ने, क्योंकि गुरुद्वारा शीशगंज साहब अपनी गड्डिया राही आने वाली संगतान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों 20,000 रुपए के नो एंट्री के चलान भेजे जा रहे हैं। सवेरे 9 बजे तो लैके रात 9 बजे तक जिहड़ी भी गड्डियां इत्थे आ रही ने, जिहड़े कैमरे लगे ने तुहाडे सामने पिछे नज़र आ रहे हैं, इन्हां कैमरिया तो फोटो जिहड़ी भी आ जाती है गड्डी की उहदे घर चलान भेज दिता जाता है। और इत्थे पता लग्या कि जिहड़े सिविल डिफेंस के वलंटियर आते हैं, कुड़ियां आदि ने उन्हां दी भी स्कूटियां के 8-9 चलान आ गए ने, और होर जो संगत आती है सवेरे शाम उन्होंने भी चलान आ रहे हैं। बड़ा वड्डा मसला है और असी पिछे जागो पार्टी वालों इस मामले लैके दिल्ली पुलिस कमिश्नर नूं चिट्ठी लिखी सी कि यह चलान हटाए जाण। ये जो शाहजहानाबाद प्रोजेक्ट चल रहा चांदनी चौक के सुंदरीकरण का, इस प्रोजेक्ट की आड़ सारा कुछ हो रहा है और दिल्ली के LG साहब
मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस करनी है या समाजिक तौर पर करनी है जो साबका प्रधान ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और जागो पार्टी के कौमांतरी प्रधान ने वह भी पुजे हुए हैं। संगतं सारिया इतने अज मैच चलन के बावजूद फाइनल जो क्रिकेट का चल रहा काफ़ी वही तादाद लोग पहुंचे ने जिन्हों लगता है कि यह मामला वाला गंभीर है और इससे कार्रवाई होनी चाहिए है। तो मैं बेनती करा सरदार मनजीत सिंह जीके जी को कि अगला प्रोग्राम जो संगतों को देना है वो भी घोषणा करन और जो है परेशानी है किवें हल किया जा सकता है वो आप जी को जानकारी देंगे सरदार मनजीत सिंह जी जीके। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें हुणे सार परमिंदर पाल सिंह होरां ने डॉक्टर परमिंदर पाल सिंह होरां ने गल दसी है पर यह मसला बड़े चिर तो साडे संज्ञान दे विच आया होया सीगा। असी आम आदमी गवर्नमेंट दे जिहड़े मंत्री ने असी उन्हां नूं भी मिले असी होर भी जिहड़े सरकारी अफसर उन्हां नूं भी मिले और संगतां दी मुश्किलात जिहड़ियां ने उह दसियां। असी दिल्ली पुलिस कमिश्नर नूं इहदे बारे चिट्ठी लिखी और डिटेल लिखी करोड़ां रुपए दे चलान। मैं समझदा कि औरंगजेब दे वक्त इह कानून सीगा कि जे कोई हिंदू धर्म नूं मन्ने जे कोई सिख धर्म नूं मन्ने तो उहनूं जजिया देना पैंदा सी उस दे उत्ते भारी टैक्स लाया जाता सी। अज आजाद हिंदुस्तान जिहदे विच मैं समझदा कि सिख कौम का बड़ा वड्डा योगदान रहा और यह स्थान गुरु तेग बहादुर पातशाह का। मैं समझदा कि गुरु तेग बहादुर पातशाह ना हुंदे ते अज मंदरां दे विच भी अजाना की आवाज आनी सी अज हिंदुस्तान च सब की सुन्नत होई होनी सी और अफसोस कि गुरु तेग बहादुर पातशाह दे स्थान ते जाण लई साडे ते जजिया लगा दिता गया। तुसी ट्रैफिक पुलिस दे चलान देखदे हो 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए 2000 रुपए तुसी गुरु घर जाण वास्ते 20,000 दा चलान ओने दी कार नहीं है ओने दी स्कूटी नहीं है जिन्हां श्रद्धालुआं दा गुरु नानक नाम लेवा दा इन्हां दे चलान भेजे ने। असी जिहड़ा भाई मतीदास चौक है जिथे गुरु तेग बहादुर साहब के आशीर्वाद नाल भाई मतीदास भाई सतीदास भाई दयाला जी ने शहादत दिती सी इस वेले उत्थे खड़े और पिछे तुहानू गुरुद्वारा सीसगंज साहब गुरु तेग बहादुर पातशाह दा शहीदी स्थान और सराह नजर आ रही है और मैं कैमरामैन नूं कहांगा ओ कैमरे भी दिखाओ जिहड़े उस पोल दे उत्ते लगे हुए ने और इस पासे भी इह लगे हुए ने कि कैमरे नूं जरा इस पासे दिखाओ ये पोल दे उत्ते भी कैमरे लगे हुए ने जिहड़े जिहड़े रिकॉर्डिंग करदे ने। मैं सिर्फ इन्नी गल कहना चाहना कि असी हुण एक चिट्ठी LG नूं और CM नूं जरूर लिखांगे असी उन्हां नूं जरूर ये चिट्ठी राही दसांगे कि साडी परेशानी की है। लेकिन मैनूं जथेदार संतोख सिंह अपने पिता का समा याद आ गया जिस दिन सरकार ने फैसला किया सी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी जगमोहन जी DDA दे वाइस चेयरमैन सी डॉक्टर आदित्य नाथ झा दिल्ली दे लेफ्टिनेंट गवर्नर सीगे और विजय कुमार मल्होत्रा चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर सी दिन तय होया जिहड़ी है